जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सिद्दीकी सर स्नैपसॉल से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रिकी शॉर्टकट और लॉजिकल मेथड से। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा जानेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं और अनुपात का मतलब होता है विद्यार्थी दो चीज़ों की तुलना करना, किन्हीं दो चीज़ों की भाग विधि द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है, कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं जिनका नाम है ए और बी, ए के पास 50 रुपया है और बी के पास जो है विद्यार्थी वो 100 रुपया है। अब दोनों की तुलना कर दीजिए, मैंने बोला किस मेथड से, डिवाइडेशन मेथड से, भाग विधि से, मतलब 50/100 कर दीजिए। भाग करेंगे तो 50/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 2 10, कुल मिला के मिला अपने को 1/2। रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं, 1/2। एक किसका हिस्सा है स्टूडेंट, वो ए का हिस्सा है। दो किसका हिस्सा है, वो बी का। मतलब अगर ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास 2 रुपया, मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो 1:2 रुपये में इनके पास पैसे हैं। ये हो गया अनुपात। अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है विद्यार्थी समानुपात का, मतलब दो अनुपात बराबर हो। जैसे 1/2 = 4/8, आपको दिख रहा होगा दोनों अभी इक्वल नहीं है, लेकिन जब ही कैंसिल करेंगे 4 1 4 2 8 तो आपको इक्वल ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। यहाँ पर भी इक्वल ही था ये 4/8, लेकिन दिखने में नंबर अलग थे, कुछ एक्स या वाई से इसमें मल्टीप्लाई किया गया था, लेकिन जब उसको कैंसिल किया तो 1/2 = 1/2। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों राशियाँ क्या कहलाने लगेंगी, समानुपात में है, मतलब आपस में इक्वल हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं, बेसिक क्वेश्चन है इस वीडियो में जानेंगे। आने वाले समय में नए नए वीडियो में हम हाइयर लेवल के भी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को सीख लेते हैं, कैसे लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लग गया है, क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व कर सकते जल्दी से जल्दी 30 सेकंड के अंदर तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए वीडियोज के लिए, अच्छे वीडियोज मिलेंगे। देखिए कह रहा है ए और बी दो लोग हैं जिनके धनों का अनुपात 4:7 है, मतलब 4:7 है। ए का जो धन है वो 3200 रुपया है, ए के पास 3200 रुपया है, तो कह रहा है बी के पास कितना है वो बताओ। हमको दिख रहा है ए के पास 4 रुपया है और बी के पास 7 रुपया है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब ये 4 रुपया ना हो कि ये 3200 रुपया है, मतलब ये 4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ कि 3200 आ जाए। तो 800 टाइम, मतलब 800 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 32 और 00 से नोट हो जाएगा, 800 हमको कैसे मिल गया। करना क्या है स्टूडेंट, 3200 में अपने को 4 से बस इसी से डिवाइड कर दो, 4 8 32 और 00 यहाँ नोट कर लो, मतलब ये 800 टाइम है। तो जब ये एक्चुअल वैल्यू 800 टाइम ज़्यादा है तो इसकी भी एक्चुअल वैल्यू 800 टाइम ज़्यादा होगी, 8 7 56, मतलब इसके पास जो पैसा है विद्यार्थी वो 5600 रुपया है और इसके पास 3200 रुपया। ये तो क्वेश्चन में दिया था, इसको हम लोगों ने निकाला, मतलब बी के पास 7 रुपया ना होकर वो 800 टाइम ज़्यादा होकर 5600 रुपया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में विद्यार्थी पूछ लेता है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितना पैसा है तो क्या करते, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो शॉर्ट ट्रिक सीखना है, हमें तो क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो ऐड करने में समय जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया होगा डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे 4 और 7 को, तो स्टूडेंट मिल जाएगा कितना, 11। अब इसमें जितने टाइम से हम मल्टीप्लाई किया था, कितने टाइम से, 800 टाइम से, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो तो विद्यार्थी कितना मिला, 8800, मतलब दोनों का जो पैसा है कुल मिलाकर वो 8800 रुपया है। देखिए समझ में आया होगा, अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आने वाली वीडियोस में आपको हाईर लेवल एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर भी करते रहिए और कमेंट करके बताते भी रहिए कैसा लगा आपको ये ट्रिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया, उसको देखिए, तब तक मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करते रहिए, और अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बताइए कि आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैथ्स के चाहते हैं आप वीडियो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी दो लोग हैं, दो पर्सन हैं जिनका नाम ए और बी है, दोनों की जो इनकम है उनका रेशियो है 3:5 विद्यार्थी, मतलब अगर ये 3 रुपया ए कमा रहा है तो बी 5 रुपया कमा रहा है। कह रहा है ए और बी की आय 3:5 में है, ए की आय बी की आय से 1800 कम है, ये कम है इससे 1800, लेकिन हमको दिख रहा होगा कितना कम है, हमको तो दिख रहा है 2 रुपया कम है, ये 3 रुपया, ये 5 रुपया, मतलब ये 2 रुपया ज़्यादा है, ये 2 रुपया कम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ए की जो इनकम है वो 1800 कम है, किससे कम है विद्यार्थी, बी से 1800 कम है,
तो कितने टाइम है ये 900 टाइम सेम दैट, दो हमने देखा 2 रुपया कम है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 1800 होगी, तो मतलब 2 को 900 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि दोनों की कुल आय कितनी है, दोनों की, तो दोनों की आय देखो यहाँ पर कितना है, 5 और 3 मिलाकर कितना हो गया 8 रुपया। हमने देखा दोनों की आय मिलाकर 8 रुपया, लेकिन हमने देखा एक्चुअल वैल्यू कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 900, तो 900 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72 हो जाएगा विद्यार्थी, और 00 नोट कर देंगे। देखिए विद इन ए सेकंड, मतलब दोनों का मिलाकर 7200 रुपये है। देखिए समझ में आया, विद इन ए सेकंड सॉल्व किया गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते रहिए उसको। चलिए क्वेश्चन को रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में विद्यार्थी। कह रहा है ए और बी के भारों का अनुपात 4:7 है, मतलब ए और बी दो पर्सन हैं जिनका जो वेट है, भार है, वो 4:7 में है, 4:7 में है, मतलब अगर ए 4 kg का है तो बी 7 kg का है। यदि ए का भार कह रहा भाई साहब 4 न होकर ये 24 kg है, मतलब एक्चुअल वैल्यू 24 है, तो कह रहा है बी का भार ज्ञात करो, तो ये 4 जो है ये 24 है एक्चुअल वैल्यू। हमने देखा रेशियो में 4 है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा भाई साहब 4 ना होकर ये 24 है, तो 4 का टेबल बोलो 24 आए, तो कितना टाइम करना पड़ेगा, 6 टाइम। तो सेम दैट ये भी भाई साहब 7 ना होकर 6 टाइम होगी, 7 6 42, मतलब ये 42 किलोग्राम है विद इन ए सेकंड। अगर दोनों की मिलाकर पूछ लेता विद्यार्थी, बस इसको स्क्वायर कर लेते 7 4 11 = और इसका भी 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते 66 kg, मतलब दोनों की मिलाकर 66 किलोग्राम। हमें उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन विद इन ए सेकंड का है, देखते ही ऑप्शन उड़ा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर भी करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन लग गया है स्क्रीन पर, उसको भी आप देखिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं आता तो यहाँ देखिए विद इन ए सेकंड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है और इसमें कह रहा है कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3 लोग अभी आ गए, ए बी सी, अभी तक ए बी रहते थे अब ए बी सी आ गए। कह रहा है कि इनके बीच क्रमशः 5:6, 5:6, 9 के अनुपात में विभाजित की जाती है, मतलब कुछ पैसा है उसको बांटा गया। अब पैसा कितना है ये नहीं मालूम है, लेकिन बांटा गया, एक को 5 रुपया, दूसरे को 6 रुपया, तीसरे को 9 रुपया दिया गया। कह रहा है यदि ए को 450 रुपये मिले हों, हमने देखा ए को 5 रुपया मिला लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक्चुअल वैल्यू 5 रुपया ना होकर भाई साहब ये 450 रुपया है, तो ये कितने टाइम है, ये 90 टाइम है। हमने देख लिया, कैसे पता किया, हमने फिर पुराना मेथड 450 में 5 से डिवाइड कर दिया, 5 9 45, 0 आ गया, ये 90 टाइम है। तो कह रहा टोटल धनराशि कितनी थी, मतलब पूरा पैसा कितना था, तो पूरा पैसा कितना था 5 6 11 9 20, 9 6 15 5 20, टोटल पैसा तो 20 था, लेकिन ये तो हमने रेशियो में देखा कि 20 था, एक्चुअल वैल्यू कितने टाइम थी 90 टाइम, तो इसमें 90 टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 18 00, तो टोटल वैल्यू जो थी 18 थी। अगर पूछता आपको वी की कितनी है तो 96 में मल्टीप्लाई, सी का पूछता तो 90 में ही, मतलब टोटल जो वैल्यू थी वो 1800। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अगर ज़्यादा डाउट है आप चले जाइए प्ले स्टोर पर और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।